आज हम बात कर रहे हैं गांव की सड़क व्यवस्था की। आज भी बहुत से गांव ऐसे हैं जहां तक परिवहन व्यवस्था बिल्कुल बदहाल है। अधिकतर किसान अपनी फसल को लेकर व्यापारिक मंडियों तक नहीं पहुंचा पाते और रात दिन खेतों में परिश्रम करने के बावजूद इस परिश्रम का लाभ नहीं उठा पाते। 70 वर्ष बीत गए लेकिन आज भी गांव में सड़कों की ऐसी हालत है, ना तो पता चलता है कि यह सड़क है और ना ही यह पता चलता है कि यह तालाब है। ग्राम पंचायत को गणराज्य बनाने का संकल्प लेकर उत्तर प्रदेश के प्रत्येक गांव की स्थिति को कैमरे में कैद करके सरकार के सामने लाने का प्रयास एबीपीएस न्यूज टीम जिला बरेली के तहसील आंबला क्षेत्र के करपिया किसान पहुंची। ग्रामीणों से बात करने के साथ साथ ग्राम प्रधान भगवान दास से बात करके विकास कार्यों और सरकार से गांव की अपेक्षाओं पर चर्चा की। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान बताया कि जितना धन ग्राम निधि से सरकार द्वारा प्राप्त हो रहा है उसके अनुसार विकास कार्य हो रहे हैं। मैं ग्राम प्रधान करपिया किसान भगवान दास उपनाम आलमपुर जाफराबाद ब्लाग। मैं अपने विकास के बारे में बता रहा हूँ। विकास में मैंने अपनी 116 लाइटें लगवा दी, स्टील लाइटें 7 CC करा दी गांव में, 1 खरंजा करा दिया, 3 ठेली बनवा दी और 165 शौचालय बनवा दिए। और मैं अभी मांग नहीं करता हूँ विकास की, जो भी विकास मेरे गांव में होने को है, मतलब शमशान भूमियों का विकास है और खरंजों का विकास है, जो भी है बरात घर है और आंगनबाड़ी केंद्र है पस्तौर में, स्वास्थ्य केंद्र है, ये मांग करता हूँ मैं। और ऊपर से पूर्ण पैसा भेजे जो भी मैं इनका विकास यहाँ तक करा सकूँ, ये मांग करता हूँ। गांव के तहसील मुख्यालय से दूरी 10 किलोमीटर तथा जिला मुख्यालय से दूरी 20 किलोमीटर है। लगभग 5000 की आबादी और 1300 वोटरों के इस गांव में राशन कार्ड धारकों की संख्या 300 ही है, तो वहीं विधवा पेंशन 40 में से 10 लाभार्थियों को ही प्राप्त हो रही है। बात अगर वृद्धा पेंशन की हो तो इसका लाभ 6 लाभार्थियों को ही मिल रहा है, जबकि लगभग 60 ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जिन्हें वृद्धा पेंशन मिल जाए तो उनके बुढ़ापे की लाठी के रूप में उनका साथ देने में जीवन के लिए अमूल्य योगदान होगा। शिक्षा की बात की जाए तो गाँव के प्राथमिक विद्यालय में लगभग 240 छात्र ही पंजीकृत हैं। बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान ने गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 15 हैंडपंप लगवाए हैं व 15 और हैंडपंप लगवाने की सरकार से मांग है। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 70 विद्युत पोल, 3 विद्युत ट्रांसफार्मर, 8 सोलर लाइट व 100 स्ट्रीट लाइटें भी लगवाई गई हैं। साथ ही साथ गांव में खडंजा, 7 CC टाइल्स रोड, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 आवास, बस स्वच्छ भारत मिशन के तहत 165 शौचालयों का भी निर्माण कराया है। वहीं सरकार से इस गांव की मांग है कि उन्हें पंचायत घर, बारात घर, स्वास्थ्य केंद्र, प्राइमरी स्कूल की मरम्मत, शमशान घाट, आंगनवाड़ी केंद्र, सीसी टाइल्स रोड, 30 प्रधानमंत्री आवास तथा शौचालय एवं पुलिया का निर्माण करवाया जाए। ये स्कूल है, ये इसके लिए करीब 20 साल हो चुके हैं, रुका हुआ काम इसका। हमारे प्रधान जी भगवान दास जी इसका निर्माण करवाना चाहते हैं और इसमें बच्चे भी टूट सकते, बच्चे भी कर सकते हैं। और यहाँ पर इधर आइए, यहाँ पर दरार भी आ रही है, इसमें बच्चों की 100 से 150 की संख्या है, बहुत बड़ा नुकसान है।